हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 33। आज हम लोग इनिंग ड्राइंग्स ड्राइंग में टाइप्स ऑफ लाइंस के ऊपर चर्चा करेंगे। लाइंस का विशेष महत्व होता है किसी भी ड्राइंग को बनाने में, और ये लाइंस किस तरीके से बनाई जाती हैं, कौन सी पेंसिल का उपयोग करके बनाई जाती हैं, इन सब पे एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैक्सिमम जो यूज़ होता है 10 टाइप की लाइंस का उपयोग होता है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक्चुअली स्लाइड में पहले बना रहा था, वीडियो इंटरप्ट हो गया, इसलिए तो इसमें 2-3 पेज में पहले से मार्क हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। ये 10 प्रकार की रेखाओं का उपयोग किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ये कुछ इस तरीके से आउटर लाइन, डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन, हैचिंग लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, डॉटेड हिडन लाइन और सेंटर लाइन। इन सभी प्रकार की लाइंस का उपयोग अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। इनको हम एक एक करके आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है आउटलाइन। आउटलाइन को हम ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं। इसे हम ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं। इससे जो है डार्क बनाया जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, जो भी हमें दिखाना है ऑब्जेक्ट में ड्राइंग में, उसे डार्क बनाएंगे और HB पेंसिल का उपयोग करके बनाएंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, डार्क बनाते हैं और HB पेंसिल का उपयोग करके बनाते हैं। जैसे कि ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इसमें हम दिखाना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ये जो आपका ऑब्जेक्ट बना है, ये डार्क लाइन बनी हुई है और बोल्ड है, कहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी आउटलाइन कहलाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी आगे एक डायग्राम आएगा, उसमें अपन सारी लाइंस को प्रैक्टिकली देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आउटलाइन को अपन ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। ये HB पेंसिल से बनी होती हैं, डार्क होती हैं और विजुअल होती हैं, ओके। नेक्स्ट आता है डायमेंशन लाइन। ये B1 एक्चुअली आगे फिगर में डायग्राम बना हुआ है, उसमें शो किया हुआ है। B1 को अपन डायमेंशन लाइन कहते हैं, इसलिए यहाँ पर दिखा हुआ है, तो उसको अपन अभी यहाँ पर देखेंगे। डायमेंशन लाइन क्या होती है? जैसे आपने ऑब्जेक्ट बना दिया है, ये ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है, अब इसे मार्क करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, तो ये शो करने के लिए हम डायमेंशन लाइन का उपयोग करते हैं। एक्चुअली डायमेंशन लाइन जो होती हैं यहाँ पर लिखा डार्क और थिन होती हैं। डार्क और थिन तो होती हैं, लेकिन ये इतनी डार्क भी ना हो कि ऑब्जेक्ट लाइन से ज़्यादा हो, मतलब ये ऑब्जेक्ट लाइन से कम डार्क होती हैं, है ना। डार्क होंगी एंड थिन होंगी, थिन लाइन होती हैं, बट डार्कनेस में ऑब्जेक्ट लाइन से कम डार्क होंगी। इसे बनाया कैसे जाता है? ये ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन खींची दोनों साइड, और ये इस तरीके से एरो हेड के थ्रू इसे बना दिया जाता है। जब हम डायमेंशनिंग पढ़ेंगे तो डायमेंशन के सारे एलिमेंट के बारे में डीपली चर्चा करेंगे। तो ये जो आपकी बनी, इसे बोलते हैं हम डायमेंशन लाइन, और जो भी वैल्यू होती है इसे यहाँ पे लिख दिया। सपोज 20 है यहाँ से यहाँ तक लेंथ, तो ये अपने लिख दिया 20। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन बनी हुई है, ये ऑब्जेक्ट लाइन से थोड़ा सा कम डार्क होगी और थिन होगी। इसे भी HB पेंसिल के उपयोग से बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर अपन लिखा हुआ यूज्ड HB पेंसिल बट लाइटर देन ऑब्जेक्ट लाइन। नेक्स्ट देखते हैं लीडर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर लाइन का उपयोग किस तरीके से किया जाता है? होती है एक्चुअल लीडर होता क्या है, आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसमें ये 30 से 35 डिग्री पे झुका हुआ पे एक एंगल बना होता है, और यहाँ पे एरो लगा होता है जो डायमेंशन शो करना है अपन। एक्चुअली इसका उपयोग किया जाता है सर्कुलर ऑब्जेक्ट या रेडियल ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस पोर्शन को अपन लीडर बोलते हैं, और इस कंप्लीट सेटअप को अपन लीडर लाइन बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लीडर लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है। इससे हम 3 तरीके से शो कर सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है विथ डॉट। ये इसके एंड में डॉट लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं अपन विथ डॉट लीडर लाइन। विथ एरो लीडर लाइन, यहाँ पे एरो बना हुआ है विथ एरो लीडर लाइन, एंड विथ एक्सटेंशन लाइन। ये साइड में एक्सटेंशन लाइन बनी हुई है दोनों साइड, और इन दोनों के बीच में ये डायमेंशन लाइन बनी है, और यहाँ पे आपका ये लीडर आ रहा है। तो इस तरीके से हो सकता है विथ डॉट, विथ डॉट, विथ एरो एंड विथ एक्सटेंशन लाइन। लीडर लाइन का उपयोग समझ चुके हैं, जैसे ये आपका सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, या इसे इस तरीके से समझें, ये यहाँ पे सर्कुलर ऑब्जेक्ट है,
और इसकी हमें डायमेंशनिंग करनी है। ओके तो ये तो सब इसकी तो प्लेन अपन डायमेंशनिंग कर देंगे यहाँ से एक्सटेंशन लाइन बना के, और ये अपन ने लाइन बना दी और यहाँ पे अपन ने 20 लिख दी वैल्यू। इसकी भी अपन यहाँ पे डायमेंशनिंग कर दो विद सपोज जो भी वैल्यू एक्स वाई जेड, बट इस पोर्शन की अपन को डायमेंशनिंग करनी है तो इसे लीडर लाइन के उपयोग से करेंगे। जो आइए देखते हैं कैसे इसे हम यहाँ सबसे पहले यहाँ एक लाइन बनाएंगे, प्लेन लाइन होगी जो आपकी हॉरिजॉन्टल, और इसे लीडर 35 डिग्री पर झुका के इस तरीके से एरो हेड की मदद से डायमेंशनिंग कर देंगे। और जो भी वैल्यू होगी, एक्चुअली मेरा ये रेडियस है तो जो भी वैल्यू होगी रेडियस या डायमीटर हम शो करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर के लिए फाई, और जो भी वैल्यू है उस एक्चुअली पूरा सर्किल ही है। ओके इस सर्किल की रेडियस की जो डायमीटर की जो भी वैल्यू है उसे हम सपोज करो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। इसे लिखने का तरीका यही होता है, तो इस तरीके से इसे शो किया जाता है। इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी वैल्यू है फाई के साथ उस वैल्यू को हम लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन क्या होती है, एक्चुअली ये किसी कटे हुए पोर्शन को दिखाने के लिए शो की जाती है। हैचिंग लाइन डायगोनली पैरेलल लाइंस होती हैं और इनकी स्पेसिंग जो होती है इक्वली होती है, और जो स्पेसिंग से मतलब ये आपका मान लो कोई कटा हुआ पोर्शन है, इससे हमें बीच से इसे काटने के बाद दिख रहा है और इसे हम हैचिंग दिखाना चाह रहे हैं कि ये सेक्शनिंग की गई है, तो इसे इस तरीके से डायगोनली पैरेलल लाइन खींची जाती हैं। ये स्पेसिंग जो है मिनिमम 0.7 डिस्टेंस होना चाहिए, ये दो दो लाइन के बीच की डिस्टेंस है मिनिमम 0.7 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम हो सकती है 1 to 2 mm हो सकती है। स्पेसिंग इक्वल होगी मतलब ये जो स्पेस यहाँ पे है वो स्पेस यहाँ होना चाहिए, वो स्पेस यहाँ पे होना चाहिए, हर लाइन के बीच में स्पेस इक्वल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये लाइन भी डार्क होती हैं बट थिन होती हैं, पतली होती हैं, ये ऑब्जेक्ट लाइन से पतली बनाई जाती हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट में इस तरीके से हैचिंग की हुई है इसका मतलब है कि इस पार्ट की सेक्शनिंग की गई है, इसे काटने के बाद दिखाया जा रहा है कि अंदर ये कैसा दिख रहा है। ओके नेक्स्ट देखें इस डायग्राम में देखें तो अपन ये यहाँ पे सेक्शनिंग की हुई है और ये यहाँ पे B4 लिखा है, तो यही एक्चुअली में इसका ये B4 लिखा हुआ है, तो ये सेक्शनिंग के बाद दिखा रहा है कि सेक्शनिंग के बाद कैसा दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। सो इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लाइन, थिन है और कंटिन्यूस लाइन है, पतली लाइन है और कंटिन्यू लाइन है, आप इस कहीं पे ब्रेक नहीं होती है। एक्चुअली में ये यूज्ड टू इरेगुलर बाउंड्रीज, अब मान लो ये यहाँ पे आपका बाउंड्री इसकी यहाँ पे अपन बड़ी है और अपन शो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप बना के दिखा सकते हैं। टू शो शॉर्टर ऑब्जेक्ट, टू शो इन शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ बिग ऑब्जेक्ट, किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटी जगह में दिखाने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का उपयोग किया जाता है। ये भी थिन होती है और कंटिन्यूस लाइन होती है, यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन, इसी डायग्राम में देख लेते हैं अपन। D1 यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो लाइन दिख रही है इस तरीके, ये लाइन आपकी ये वाली, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन कहलाती है। एक्चुअली में इसे बनाते कैसे, मान लो सपोज करो आपका कोई ब्रिज बन रहा है, ये यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर, तो इस सब ड्राइंग में तो 100 किलोमीटर अपन सॉरी 100 नहीं ज़्यादा हो जाएगा 2 किलोमीटर का ब्रिज बना रहे हैं, तो इसे ड्राइंग में 2 किलोमीटर को दिखाने के लिए हम इस लाइन का उपयोग करेंगे, ये जो लाइन बनी हुई जिग जैग लाइन का उपयोग करेंगे। ये एक्चुअल में कंटिन्यूस लाइन हैविंग जिग जैग शेप होता है, कंटिन्यूस लाइन ये कंटिन्यूस लाइन लगी हुई है और ये जिग जैग यहाँ पे बने होते हैं बीच बीच में, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये इस तरीके से, ये ये हमें यहाँ से ए से बी के बीच की डिस्टेंस शो करना है, तो एक लाइन खींची अपन ने, इसे जिग जैग फॉर्म में यहाँ बनाया इस तरीके से, और यहाँ अपन ब्रेक करके लिख देते हैं 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर की ड्राइंग बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसे जिग जैग शेप में अपन शो करते हैं। ये भी इरेगुलर बाउंड्रीज के लिए, सॉरी ये जो है आपकी थिन कंटिन्यूस लाइन होती है जो कि जिग जैग शेप होती है। नेक्स्ट देखते हैं डॉटेड और हिडन लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है और मैक्सिमम नंबर इसी में कटते हैं जब अपन ड्राइंग बनाते हैं। मान लो जैसे आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में एक लाइन और होगी, ये इस तरीके से पूरा पूरा आपका शेप होगा, बट ये अपन जब यहाँ से देखेंगे या इस साइड से अपन देखेंगे तो ये अंदर की लाइन नहीं देखेंगे, तो इसे बनाने के लिए या तो जैसे इसमें बनाया ही नहीं है ओरिजिनल अपन डायग्राम में देखें तो इसे बनाया ही नहीं है इस तरीके से बना। अगर ड्राइंग में अपन को शो ना होगा, अगर स्पेशल कहा जाएगा शो ऑल्सो हिडन लाइन, तो हम इसे इस तरीके से ये हिडन लाइन
इस तरीके से ब्रेक लाइन होती हैं, हिडन लाइन कहलाती हैं। ये थिन होती हैं, लाइट होती हैं, एंड HB पेंसिल से ही बनाएंगे तो बहुत लाइट बनाएंगे, या H पेंसिल से बनाई जाती हैं। ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है, हिडन जो डॉटेड लाइन होती हैं वो थिन होती हैं, लाइट होती हैं, और HB पेंसिल से बनाती हैं। इसमें अगर हम बनाएं तो इस तरीके से हमें इसे बनाना होगा। ये आपका हिडन लाइन कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का उपयोग किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट के, रेडियल ऑब्जेक्ट के सेंटर को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिया हुआ, अब इसे हमको सेंटर बनाना है, तो ये सेंटर सपोज करो, तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, एक 2 mm एक लंबी लाइन होती है, फिर 0.5 mm का गैप होता है, फिर 0.5 mm छोटी लाइन होती है। एक्चुअली स्क्रीन में क्लियर बन नहीं पा रही है। 0.5 mm छोटी लाइन होगी, फिर 0.5 mm, एक मिनट को शुरू से बताते हैं, 2 mm की लॉन्ग लाइन होगी, 0.5 mm का गैप होगा, फिर 0.5 mm की छोटी लाइन होगी, फिर 0.5 mm का गैप होगा, फिर 2 mm की छोटी लाइन होगी। ये रिपीट होता रहता है, फिर इस तरीके से गैप होगा, फिर गैप और छोटी लाइन। तो ये जो होगा आपका 2 mm की रख सकते हैं, गैप जो इसके बीच में आ रहा है ये दोनों गैप 0.5 mm के रहेंगे, एक से रहते, ज़रूरी नहीं 0.5, 2.8 mm अपन रख सकते हैं। और ये जो शॉर्ट लाइन है ये वाली, ये भी आपकी 0.5 mm की आएगी ये, लेकिन जो ये इस यहाँ पे बनेगा वही सेम यहाँ पे रिपीट होता जाएगा, ये आपकी सेंटर लाइन कहलाती है। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये 2 mm की लाइन सपोज़ करो ये सेंटर है, गैफ छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, गैफ ये छोटी लाइन, इस तरीके से 2 mm की लाइन, गैफ, 0.5, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, इस तरीके से आपका सेंटर तैयार हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस टेबल में अपन एक बार देख नज़र मार लेते हैं कि इस लाइन्स को किस तरीके से बनाया जा रहा है। कंटिन्यूस थिक लाइन होती है, इसे अपन ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। कंटिन्यूस थिक लाइन ऑब्जेक्ट लाइन कहलाती है, विजुअल आउटलाइंस के लिए बनती हैं। इस टेबल में सारा जो मैंने बताया आपको उसका यहाँ पे टोटल निचोड़ दिया हुआ है। कंटिन्यूस थिक लाइन्स होगी, आउटलाइंस बनाएंगे, विजुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो ये तरीके से थोड़ा डार्क होगी, कंटिन्यूस थिन होगी थोड़ा हल्की होगी, इससे अपन डायमेंशन लाइन बनाएंगे, है ना, हैचिंग लाइन बनाएंगे, लिटल लाइन बनाएंगे। उसके बाद फ्री हैंड जो अपन बाउंड्रीज बनाने के लिए बनाते हैं, लिमिट पार्शियल व्यू दिखाते हैं उसका, तो ये पूरा यहाँ पे दिया है। इसको आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार पढ़ेंगे तो इसे क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और, जैसा कि यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन आपको बताया, सेंटर लाइन होती है और आपका कटिंग प्लेन होता है एक चीज़, तो मैंने बताया कि बड़ी लाइन, गैप, फिर छोटी लाइन, गैप, ये आपकी सेंटर लाइन कहलाती है। अगर इसके दोनों एंड को डार्क कर दें अपन इस तरीके से, खाली दोनों एंड को बस डार्क कर दें, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है कटिंग प्लेन, CP, ये आपका कटिंग प्लेन कहलाता है। जब सेक्शनिंग पढ़ेंगे तो कटिंग प्लेन आपको अलग से दिखाना होता है, और कटिंग प्लेन ये दिखाया इस तरीके से बनाया जाता है। सेंटर लाइन को ही अगर दोनों एंड को डार्क कर दें तो आपका कटिंग प्लेन कहलाता है। तो ये रहा ड्राइंग की लाइंस के बारे में ओवरऑल एक व्यू, इसे देखे, और अपन नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट सेशन में डायमेंशनिंग और उसके एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।